गुलामी के समय के कानूनों को किया रद्द, लोक अदालतों में सुलझे लाखों केस, कानून मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 15 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पीछे हटने वाले औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर उपनिवेशवाद के बेड़ियों को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है, तभी भारत सही मायने में प्रगति कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, देश ने 1500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब लोक हित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा हमें सही दिशा में ले जाएगी और हमें लक्ष्य तक भी पहुंचाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है, तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। कानून मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे कानून, कुरीतियों को और गलत रिवाजों को हटाना चाहता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोक अदालतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम लोक अदालतें भी बनी है। कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। उन्होंने कहा, लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों केसों को सुलझाया गया है। तो आपका क्या कहना है इस पर, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को। धन्यवाद।